आईपीओ के बारे में बात करेंगे जिसकी ओपनिंग अभी अभी लास्ट टाइम ही हुई थी, जिसका नाम है स्टॉक क्राफ्ट आईपीओ था। तो इसमें जैसे चार्ट तो अभी आपको हमें मिल नहीं सकता क्योंकि ये चार्ट का बनेगा नहीं अभी, तो हम इसके बाकी चीज़ चेक करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर आते हैं स्टॉक क्राफ्ट, इसका जो ये है, जो हमारे पास यही है, वन डे का चार्ट है, फ्राइडे का चार्ट है। तो जैसे कि इसमें हमें लगातार इसमें गिरावट आई गई, आपको पता ही है। तो इस कंडीशन में जो हमें इसमें से स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, अगर किसी ने इसमें होल्डिंग बनानी है, तो करीब वो 430 रुपये का करके रखे अपना स्टॉप लॉस, 430 रुपये का इसको स्ट्रोंग ही करना। अगर इसके नीचे गया तो वो अपनी पोजीशन यहाँ से स्क्योर ऑफ कर सकता है। बाकी और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। जैसे हम फोरकास्ट में तो इसका कुछ होगा नहीं अभी, क्योंकि अभी इसने को बाकी हम बैलेंस चेक करते हैं। जब बैलेंस शीट यहाँ पर आते हैं, इसका रिवेन्यू है वो हर साल बड़ा है मानता हूँ, पर जो इसका नेट इनकम है वो माइनस में है, थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। देखोगे तो लास्ट टाइम फाइनेंस ईयर थोड़ा बड़ा है ये, पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके फंडामेंटल इतने अच्छे नहीं हैं। अगर अगर किसी ने इसमें पोजीशन बनानी है तो वो थोड़ा टाइम रुक जाए, और जब इसका एक बार ये शेयर मतलब थोड़ा और नीचे आएगा, कि शेयर पूरा सेटलमेंट हो जाए, एक उसका प्रॉपर एक प्राइस है जहाँ पर वो सेटल हो जाए, उस पोजीशन पे ही बाय करे अगर किसी ने करना है। बाकी जो मैंने स्टॉप लॉस का लेवल बताया 430 रुपये, उसको पूरी तरह मेंटेन रखो। अब इसमें इसमें आते हैं हम निफ्टी की वेबसाइट के ऊपर, एनएससी की वेबसाइट के ऊपर। अब हम इस पे अब हम एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं। जैसे इस वेबसाइट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हमारे पास लास्ट टाइम जो फ्राइडे इसके शेयर जो ट्रेड हुए थे, करीब 1 करोड़ 7 लाख शेयर कुछ ट्रेड हुए थे, जिनकी वैल्यू ये अमाउंट है। आप देख सकते हो ये शेयर ओपन होती लगातार इसने डाउन बनाया है। तो आपको जो मैं कहा है प्राइस, वो अब ध्यान रखना 430 रुपये। और इसमें से जिसको ये अलॉटमेंट हुआ है वो कोई नई पोजीशन तो ना बनाए, उसको बनाने थोड़ा वेट करें, वॉच करें, उसके बाद पोजीशन बनाए।